Hello children, in this video you will get to know how we can do text formatting in HTML using CSS. Okay, तो हम HTML में text formatting को कैसे कर सकते हैं CSS का यूज करके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर. ओके, कि अगर हमें टेक्स्ट कलर चेंज करना है HTML डॉक्यूमेंट में तो हम उसको CSS की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट कलर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. डॉक टाइप एच टी एम एल. ओके, डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप. हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो कौन सा है, एच टी एम एल. ओके, हेड. ओके, इन हेड वी हैव स्टाइल टैग. ओके, यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल सी एस एस. राइट, अब हमने यहाँ पे दिया बॉडी एलिमेंट या बॉडी टैग, इसके अंदर हमने दे दिया कलर प्रॉपर्टी और यू कैन से कलर एट्रीब्यूट. ओके, एंड हमने इसका कलर दे दिया जो भी आप देना चाहते हो बॉडी में. अगर आप टेक्स्ट कलर हमने दे दिया ब्लू, फाइन. तो जो जो वेब पेज की एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के पेज की जो जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लू, फाइन. नाउ हमने अब H1 हेडिंग लिया, H1 हेडिंग में हमने टेक्स्ट कलर दे दिया, टेक्स्ट कलर दे देते रेड. ओके, फाइन. बॉडी में जो भी टेक्स्ट आएगा उसका कलर होगा ब्लू और H1 हेडिंग आएगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड. ओके, अब यहाँ पे हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया, देन हेड क्लोज एंड देन वी हैव स्टार्टेड बॉडी. ओके, अब बॉडी के अंदर हम देंगे H1 टैग. H1 टैग तो आप इसमें दे दो, दिस इज हेडिंग वन. ओके, H1, देन वी हैव पैराग्राफ टैग. ओके, पैराग्राफ टैग में आप कुछ भी दे दो, लाइक दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट. आप इसको कैप्चर कर देते हैं, इस टेक्स्ट कलर इज, कलर इज ब्लू. ओके, पैराग्राफ क्लोज. नेक्स्ट पैराग्राफ दे दो, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, फाइन. बॉडी क्लोज एंड आपका एचटीएमएल क्लोज. ओके, तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग टैग दिया है. ओके, एंड वी हैव गिवन टू पैराग्राफ टैग, फाइन. अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस, इसको दे देते हैं नेम text1.html, फाइन. अब इसका रिजल्ट देखते हैं, फाइन. ओके, हियर वी हैव text1 फाइल ओपन विद ब्राउजर. आप किसी भी ब्राउजर में इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमने क्या दिया था, हेडिंग रेड कलर दिया था. ओके, और बॉडी में आपने कलर दिया था ब्लू. तो जो वेब पेज की बॉडी में जितना भी टेक्स्ट आया हुआ है उसका कलर क्या है, ब्लू, और हेडिंग आपकी क्या है, रेड. ओके, तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई कलर ऑन द टेक्स्ट, फाइन. ओके, अब हमें अगर क्या करना है, टेक्स्ट कलर के साथ बैकग्राउंड कलर भी देना है, फाइन. तो हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी से, ठीक है, बैकग्राउंड कलर. तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ यहाँ पर पिंक दे देती हूँ, ठीक है, पिंक दे दिया. बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर दिया है वो हमने दिया है पिंक, फाइन. और यहाँ पे H1 का हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, H1 का बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ये रेड है.
तो हम इसको दे देते हैं वाइट वाइट फाइन ओके। अब यहाँ पे एक डिव एलिमेंट और क्रिएट कर लेते हैं डिव फाइन, इसको हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर, डिव का हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पर ओके। इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लू डिव एलिमेंट का ओके फाइन। एंड इसमें कलर दे देते हैं, कलर आप इसका दे दो वाइट ओके फाइन। और स्टाइल टैग इज क्लोज, हेड इज क्लोज, हमने अपनी प्रीवियस फाइल में चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर भी इसमें हमने दे दिया है ठीक है। अब यहाँ पे H1 हमारी हेडिंग है, PA इस वाले टैग को हम कर देते हैं डिव टैग डिव एंड देन हियर आल्सो डिव ओके। इसको सेव कर लो कंट्रोल S ओके अब हम क्या करेंगे प्रीवियस फाइल में ही रिफ्रेश कर देंगे इसको, क्योंकि हमने सेम फाइल के अंदर क्या किया है चेंज किया है ओके ओके। नाउ लुक इसको रिफ्रेश किया, देखो चेंज आ गया, आपका चेंज आ गया है। जो बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया था पिंक दे दिया था, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या आ गया है पिंक आ गया है फाइन। और टेक्स्ट कलर क्या है आपका ब्लू है, H1 में हमने क्या दिया था बैकग्राउंड कलर व्हाइट एंड टेक्स्ट कलर आपका क्या था रेड फाइन। और हमने डिव में क्या दिया था, डिव में हमने दिया था बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड कलर जो टेक्स्ट का कलर था वो व्हाइट फाइन। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई बैकग्राउंड कलर एंड कलर ऑन टेक्स्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट ओके। टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो अलाइन प्रॉपर्टी वो किस लिए होती है, टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए ठीक है। अ टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट और राइट अलाइंट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो हम टेक्स्ट को लेफ्ट में राइट में सेंटर में या जस्टिफाई मतलब करके उसको अलाइन कर सकते हैं फाइन। तो जस्टिफाई क्या होता है ओके हमें पता है व्हाट इज लेफ्ट व्हाट इज राइट। तो जस्टिफाई क्या होता है, व्हेन द टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी इज सेट टू जस्टिफाई ईच लाइन इज स्ट्रेच्ड सो दैट एवरी लाइन हैज इक्वल विड्थ एंड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स आर स्ट्रेट। जो लेफ्ट एंड इसमें क्या होता है वर्ड्स के बीच में स्पेस आ जाता है, जिससे जो लेफ्ट और राइट मार्जिन हो वो क्या हो इक्वल हो फाइन। तो अभी एग्जाम्पल की हेल्प से हम करके देखते हैं, पहले हम लेते हैं अलाइनमेंट्स ओके। सो हियर वी हैव डॉक टाइप HTML फाइन HTML हेड स्टाइल, इसमें हमने H1 को अप्लाई करते हैं टेक्स्ट लाइन ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हमने दे दिया हेडिंग 1 को सेंटर फाइन। देन हमने H2 लिया, H2 को आप ले लो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ओके। देन H3 टेक्स्ट अलाइन राइट फाइन। यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 हेडिंग्स लिए हैं और उनमें प्रोवाइड उनको प्रॉपर्टी क्या दी है टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी के की हेल्प से उनको अलाइन कराया है ठीक है, सेंटर लेफ्ट एंड राइट ओके। अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू, वी विल क्लोज स्टाइल टैग देन हेड एंड देन हियर वी विल स्टार्ट बॉडी फाइन। बॉडी के अंदर आप क्या दोगे H1 ओके। H1 इज हेडिंग 1 ऐसे कर लेते हैं, दिस इज हेडिंग 1 H1
Okay, then we have S2. This is heading 2. Then we have S3. Okay, this is heading 3. Then here we have S3. ओके तो यहाँ पे हमने थ्री हेडिंग दे दी है. फाइन, एक पैराग्राफ दे देते हैं. पैराग्राफ पैराग्राफ आप दे दो. पैराग्राफ हियर दो. थ्री हेडिंग्स अबव आर aligned center left and right. Okay, then body close and HTML close. Fine, go save karenge. अब इसको देते हम नेम text2.html. फाइन, text2.html. ओके, हियर वी हैव text2 फाइल ओपन विद गूगल क्रोम. हम ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं. देखो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है. ओके, दिस इज आवर फाइल. तो हमने फर्स्ट में क्या दिया था, जो फर्स्ट हेडिंग थी सेंटर लाइन. तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, सेंटर लाइन है. ओके, सेकेंड हेडिंग आपकी क्या थी, लेफ्ट लाइन. सेकेंड हेडिंग क्या आ गई, लेफ्ट लाइन. थर्ड आपकी हेडिंग थी राइट लाइन, तो ये आपकी थर्ड हेडिंग आ गई है. पैराग्राफ में हमने कुछ भी अलाइनमेंट नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है. द थ्री हेडिंग्स अबव आर अलाइंड सेंटर लेफ्ट एंड राइट. ओके, सो हियर वी हैव गिवन डायरेक्शंस. ओके, और यू कैन से अलाइनमेंट टू द टेक्स्ट. फाइन, ओके. अब हम क्या करते हैं, जस्टिफाई जो अलाइनमेंट है उसको भी यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट राइट एंड सेंटर को कर लिया है, तो हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं. डॉक टाइप HTML. ओके, HTML हेड स्टाइल. स्टाइल के अंदर हम देंगे div टैग, div एलिमेंट. इसको हम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं. बॉर्डर हमने दे दिया इसका 1 पिक्सल का. ओके, सॉलिड एंड बाउंड्रीज की क्या हो, ब्लैक कलर. फाइन, पैडिंग, सेल पैडिंग हमने दे दिया है 10 पिक्सल. पैडिंग मींस द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर. ओके, इसके हमने विड्थ दे दी है 200 पिक्सल. ओके, हाइट, हाइट आपने दे दी अगेन 200 पिक्सल. ओके, अब इसके अंदर जो आप टेक्स्ट दोगे वो आपको क्या दोगे, टेक्स्ट अलाइन. अलाइन मैंने दे दिया जस्टिफाई. ओके, यहाँ पे आपने स्टाइल को क्लोज कर दिया. देन हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्टेड. बॉडी के अंदर हमने H1 दे दिया, H1 टैग एग्जाम्पल टेक्स्ट अलाइन. टेक्स्ट लाइन का हमने क्या दिया, जस्टिफाई. जस्टिफाई H1. ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डिव टैग लेंगे. डिव टैग के अंदर क्या टेक्स्ट लेना है, तो ये मैं क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं. यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया इतना. फाइन, को हमने यहाँ पे दे दिया. ओके,
यहाँ पे हमने क्या किया, डिप टैब को क्लोज कर दिया। ओके एंड हियर बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज। ओके तो यहाँ पे हमने डिप में जो भी टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट दी है जस्टिफाई। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस टेक्स्ट 3.html। फाइन नाउ वी विल सी द रिजल्ट हियर। हियर वी हैव टेक्स्ट 3 फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है, तो अब आपका ये लोड हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारा डिप टैग आ गया है। फाइन, डिप टैग के अंदर आप देखोगे वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनके बीच में क्या है, गैप है। गैप किस लिए होता है, जिससे कि जो आपका लेफ्ट मार्जिन है और जो राइट मार्जिन है वो क्या रहे, सेम रहे। फाइन, सो हियर वी हैव अप्लाइड जस्टिफाइड जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ओके तो इसका क्या यूज है, द टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट की जो भी आप टेक्स्ट ले रहे हो उसकी जो लास्ट लाइन है आप उसको कैसे अलाइन करोगे। फाइन, वो कैसे, आप टेक्स्ट की लास्ट लाइन को भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो, लाइक राइट लेफ्ट। ओके जस्टिफाई, आप ऐसे उसको अलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना डॉक्यूमेंट। ओके देन स्टाइल टैग। फाइन, इसमें हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं पैराग्राफ स्पेसिफिक। हमने पैराग्राफ में एक फर्स्ट क्लास नहीं ए, ओके और उसमें हमने दे दिया टेक्स्ट अलाइन लास्ट। फाइन, तो जो भी पैराग्राफ ए क्लास को यूज करेगा तो उसकी लास्ट लाइन कहाँ पे अलाइन होगी, राइट में। फाइन, देन पी डॉट बी, ये हमने सेकेंड क्लास बनाई बी। ओके इसमें बना दिया हमने टेक्स्ट अलाइन अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी हमने दी लास्ट सेंटर। फाइन, फिर हमने लिया है नेक्स्ट पी डॉट, मतलब सी क्लास बनाई है पैराग्राफ स्पेसिफिक टेक्स्ट अलाइन लास्ट जस्टिफाई। ओके स्टाइल क्लोज एंड देन हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड। अब इसमें हम हेडिंग देते हैं H1 टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी। फाइन, ये H1 हमारा आ गया। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में क्लास यूज करते हैं पी क्लास ए, ए क्लास को यूज किया। फाइन, पी क्लास ए। ओके अब इसमें हम ले लेते हैं यहाँ से पैराग्राफ, यही वाला ले लेते हैं, इतना 2-3 लाइंस ले लेते हैं। लेटर्स को हमने यहाँ तक ले लिया, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी। फाइन, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया पैराग्राफ को। देन पी क्लास, कौन सी क्लास लेंगे हम, बी, बी क्लास का यूज करते हैं, कंट्रोल बी। सेम हमने पैराग्राफ ले लिया है। ओके एंड देन क्लोज। फाइन, देन आपने पी क्लास, पी क्लास हम लेंगे सी, सी क्लास का यूज करेंगे, कंट्रोल बी। फाइन, ओके यहाँ पे हमने पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। ओके नाउ
अब क्या करना है हमें, सिंपली बॉडी क्लोज एंड आपका एचटीएमएल क्लोज। ओके, तो ये हम लास्ट लाइन को हम अलाइन करें, इसको सेव कर लेते हैं। इसको हमने दे दिया टीएक्सटी टेक्स्ट 4.html। फाइन, ये हमारी टेक्स्ट 4.html फाइल आ गई है। फाइन, ये लोड हो रही है, ये देखो। तो जो हमने फर्स्ट दिया था, फर्स्ट आपका क्या था, टेक्स्ट अलाइन राइट, जो लास्ट वाली लाइन थी, टेक्स्ट अलाइन लास्ट राइट। तो आपकी देखो फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन कहाँ चलेगी, राइट में लास्ट लाइन। सेकंड में आपने क्या किया था, टेक्स्ट अलाइन लास्ट सेंटर, तो आपकी ये कहाँ पे आ गई, सेंटर में। फाइन, थर्ड आपने दिया जस्टिफाई, तो देखो जस्टिफाई के लिए क्या होता है, आपके जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी उसके वर्ड्स के बीच में इक्वल गैप आया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, जस्टिफाइंग लाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, टेक्स्ट लाइन लास्ट। फाइन, ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट डेकोरेशन। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन किस लिए होती है, इट टेक्स्ट डेकोरेशन इज यूज टू एड डिफरेंट डेकोरेशन और इफेक्ट टू द टेक्स्ट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में डेकोरेशन कर सकते हैं। फाइन, ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। ओके, सो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड अ डेकोरेशन लाइन टू द टेक्स्ट। तो हम अपने टेक्स्ट के अंदर एक डेकोरेशन लाइन को ऐड कर सकते हैं। फाइन, कैसे, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपका हो गया डॉक टाइप, HTML, then we have HTML at style H1, यहाँ पे हमने H1 हेडिंग दिए, H1, ओके, और H1 डेकोरेशन में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन ये ओवरलाइन, ओवरलाइन मतलब जो ऊपर से लाइन जाएगी, ओवरलाइन। फाइन, ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं S2, S2 में हम लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, लाइन थ्रू जो टेक्स्ट के बीच से जाएगी, ठीक है, लाइन थ्रू। फाइन, देन S3, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, जो टेक्स्ट के नीचे आएगी, अंडरलाइन, अंडरलाइन। फाइन, देन हम क्लास बना रहे हैं पैराग्राफ के लिए, एग्जाम का हमने नेम रख दिया, ये कुछ भी नेम लग सकते हैं, ठीक है, इसमें हमने दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन एंड अंडरलाइन। तो हम दो लाइंस दे रहे हैं, एक उसके ऊपर आएगी, एक उसके नीचे आएगी, ठीक है, ओवरलाइन टेक्स्ट के ऊपर आएगी, एक टेक्स्ट के नीचे आएगी, ठीक है, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन। फाइन, यहाँ पे हम कर लेंगे स्टाइल टैग को क्लोज, ओके, देन हेड क्लोज एंड देन वी विल स्टार्ट आवर बॉडी हियर। फाइन, अब बॉडी के अंदर हम देंगे, पहले हमने दिया H1, H1 टैग, ओके, ओके, हियर वी हैव H1, H1 में हमने दे दिया ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन H1, ओके, देन हमारा S2, इसमें हमने दिए लाइन, लाइन थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन S2, देन वी हैव H3 में आपने दिया है
underline, okay, text decoration H3, fine। देन हमने पैराग्राफ लिया, उसमें क्लास को यूज किया, क्लास हमारी है ax, ओके। और पैराग्राफ में हमने दे दिया ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, फाइन, ओके। हमने ओवरलाइन और अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया, फाइन। यहाँ पे बॉडी क्लोज एंड योर HTML क्लोज, फाइन। इसको सेव कर लेते, कंट्रोल एस। इसको हम ले लेंगे टेक्स्ट 5.html, फाइन। इसको सेव किया हमने टेक्स्ट 5.html, ओके। हियर वी हैव टेक्स्ट 5, ओपन विद गूगल क्रोम। देखो फर्स्ट जो आपने फर्स्ट लिया था वो ओवरलाइन लिया था, ठीक है। तो जो हमारी जो फर्स्ट H1 हेडिंग है उसमें क्या है, ओवरलाइन, उसके ऊपर आई है। सेकंड आपने क्या लिया था, लाइन थ्रू, सेकंड हेडिंग में H2 में, तो ये लाइन थ्रू टेक्स्ट के मिडल मिड में से आपकी लाइन जा रही है, ठीक है। थर्ड हमने लिया था अंडरलाइन, तो अंडरलाइन है। और हमने पैराग्राफ में क्या लिया था, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन। तो यहाँ पे देखो ओवरलाइन भी आई हुई है, टेक्स्ट के ऊपर भी लाइन है, एंड अंडरलाइन भी आई हुई है, टेक्स्ट के नीचे भी लाइन है, फाइन, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डेकोरेशन लाइन का कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेकोरेशन लाइन को कलर देते हैं, डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर जो हमने फर्स्ट ओवर लाइन लिया उसको हमने दे दिया रेड, फाइन। देन नेक्स्ट को हम लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल वी। इसमें हम देते हैं इसको कलर ब्लू, ओके। देन कंट्रोल वी, इसमें हम इसको दे देते हैं कलर ग्रीन, फाइन। और नेक्स्ट में हम देते हैं कंट्रोल वी कलर पर्पल, ओके, पर्पल कलर दे दिया, फाइन। और ये हमारा एज इट इज है। रेस्ट ऑफ द फाइल इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, फाइन। तो अभी हमने क्या किया है, जो हमारी डेकोरेशन लाइन है इसको कलर दिया। अब इसी फाइल को हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे लाइन का कलर आ गया। आपने फर्स्ट जो ओवर लाइन दी थी वो रेड दी थी, रेड आ गई है, फाइन। देन आपने ब्लू जो लाइन थ्रू दिया था वो ब्लू आई है। देन आपकी ग्रीन लाइन है यहाँ पर, ओके, एंड पर्पल, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेकोरेशन लाइन को कलर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्या है, हमने जो हमारी डेकोरेशन लाइन है उसको कलर दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टाइल भी दे सकते हैं। तो हम उसको स्टाइल की देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ठीक है। हम देते हैं इसको लाइन को डबल डबल, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, हमने इसको लाइन को दे दिया डबल, फाइन, ओके। नेक्स्ट हम दे देते हैं नेक्स्ट एसटी में हम दे देते हैं जो हमारी अंडरलाइन आई है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं बेबी, फाइन, ओके। देन H3 में हम दे देते हैं इसको, अच्छा बेबी हमने लाइन थ्रू में दे दी, इसको हम बेबी की जगह दे देते हैं डॉटेड, डॉटेड दे देते हैं, ठीक है, डॉटेड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमने दे दिया, नेक्स्ट में हम देते हैं इसको बेबी लाइन, ठीक है, अंडरलाइन आई है जिससे आपको क्लियरली विजिबल होगी ये, फाइन। अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं डेस्ट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कलर के साथ स्टाइल भी इसको दे दिया है, फाइन। तो अब इसको सेव कर लेते हैं,
सेव कर दिया हमने। नाउ हमारी फाइल में क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। रिफ्रेश, देखो लाइन का जो हमने स्टाइल दिया था चेंज हो गया है। ठीक है, जो आपने फर्स्ट क्या दिया था, डबल दिया था, डबल आ गई है। देन आपने इसके अंदर डॉटेड दी थी तो डॉटेड आया है। फिर बेबी आपने लाइन दी थी, इसमें बेबी आया है, इसमें डैश आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारी डेकोरेशन लाइन है उसको स्टाइल भी, हमने इसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई कर दिया है। फाइन। अब हम अपनी डेकोरेशन लाइन को थिकनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट, डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, थिकनेस जैसे मैंने इसको दे दिया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल दे दिया यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस यहाँ पे मैंने दे दिया 5 पिक्सल, तो हम कॉपी कर लेंगे। ओके, कंट्रोल भी यहाँ पे मैं देती हूँ ऑटो। ऑटो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर अपने आप लेता है ऑटो। फाइन, देन ST में मैंने दे दिया थिकनेस 25%, परसेंट में दे दी यहाँ पे थिकनेस को। ओके, 25% में दे दिया। एंड यहाँ पे पैराग्राफ में हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 पिक्सल, ले लेते हैं इसको 10 पिक्सल ले लिया। फाइन, ओके, सेव कर लो इसको। अब हमने क्या किया, थिकनेस प्रोवाइड की है लाइन को। रिफ्रेश करेंगे तो देखो थिक आ गई है लाइन, थिकनेस इंक्रीज हो गई है। फाइन, तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द थिकनेस ऑन योर डेकोरेशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, थिकनेस कर दी इसको, इसके ऊपर अप्लाई। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक साथ जितने भी आपको प्रॉपर्ट एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हैं वो हम एक साथ अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने ले लिया अंडरलाइन। अंडरलाइन, अंडरलाइन और उसका कलर ले लो आप रेड। फाइन, तो एक साथ मैंने दे दिया अंडरलाइन, जो आए अंडरलाइन आए। ठीक है, उसका कलर आए रेड, इसमें दे दिया। जैसे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन आपकी जो लाइन आए वो अंडरलाइन आए। ओके, ब्लू कलर हो उसका। ठीक है, और उसका स्टाइल क्या हो, डबल डबल। फाइन, उसका हमने स्टाइल दे दिया डबल। ओके, नेक्स्ट इसमें हमने ले लिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कलर हमने ले लिया ग्रीन, ग्रीन। ओके, बेबी और 5 पिक्सल। फाइन, अब पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन ले लो इसको, ओवरलाइन, ओवरलाइन रेड डबल एंड 10 पिक्सल। फाइन, यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का यूज किया, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, और अपनी फाइल में रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे चेंज आ गया है, जो जो हमने दिया शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के थ्रू। फाइन, वो हमारा चेंज यहाँ पे विजिबल है क्लियरली। फाइन, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है, इट कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन डिफरेंट केसेस। टेक्स्ट का अपीयरेंस मतलब टेक्स्ट कैसे दिखेगा, इसको कंट्रोल करती है कि अपर केस में आना है या लोअर केस में टेक्स्ट आएगा या कैपिटलाइज आएगा। कैपिटलाइज में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है ईच वर्ड का वो क्या होता है, कैपिटल होता है। फाइन, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
Fine. I'll show you how you can use it. Doc type. HTML. Head. Style. Okay. Style में हमने paragraph specific class बनाई है upper case. ओके हमने क्लास का नाम क्या दिया है अपर केस. ओके नाउ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप दे दो अपर केस. ओके देन नेक्स्ट पी डॉट लोअर केस. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने दे दिया लोअर केस. फाइन देन पी डॉट कैपिटलाइज. इसमें क्या होगा जो भी वर्ड्स होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा कैपिटल. ट्रांसफॉर्म ये हम दे देते हैं कैपिटलाइज ओके फाइन. स्टाइल क्लोज देन हेड एंड देन बॉडी स्टार्टेड. ओके फाइन अब हम क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं H1 हेडिंग यूजिंग द टेक्स्ट ट्रांस TRANSFORM ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी H1 फाइन. अब फर्स्ट पैराग्राफ में हम कौन सी क्लास यूज करेंगे क्लास अपर केस. ओके अपर केस फाइन. तो दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अपर केस. तो जो भी मैं यहाँ पे पैराग्राफ में टेक्स्ट टाइप करी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में. फाइन बी क्लास नेक्स्ट में हम यूज करेंगे लोअर केस. जो हमने लोअर केस क्लास यहाँ पे क्रिएट की है ठीक है तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म टू यहाँ पे हम कर देंगे लोअर केस. ओके देन पी क्लास कैपिटलाइज. ओके टू कैपिटलाइज्ड फाइन. ओके नाउ बॉडी क्लोज एंड आपका एचटीएमएल क्लोज. ओके सेव कर देंगे इसको. टेक्स्ट सिक्स ले लेते हैं डॉट एचटीएमएल फाइन. आपका लोअर केस में आया है एंड थर्ड आपका क्या आया है थर्ड आपका आया है कैपिटलाइज फॉर्म में. फाइन Now we will do text indent property. Text indent property is used
टू एड सम ब्लैंक स्पेस बिफोर अ पैराग्राफ बिगिंस। ओके, तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का क्या यूज है? टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, मतलब जो पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करते हैं ओके उसकी बिगनिंग में आप कुछ स्पेस दे सकते हो। फाइन, आप किसी पैराग्राफ की बिगनिंग में स्पेस दे सकते हो, या फिर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी बिगनिंग में आप स्पेस दे सकते हो, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंडेंट। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट। डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, HTML हेड, हेड भी है, स्टाइल, स्टाइल टैग, ओके, पैराग्राफ टैग, यू कैन से पैराग्राफ एलिमेंट, इसमें हम देंगे टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट, ओके, हमने क्या दिया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल टेक्स्ट इंडेंट दिया है, तो जो हमारा पैराग्राफ है वो कितने स्पेस के बाद स्टार्ट होगा, पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है ठीक है वो कितने स्पेस के बाद स्टार्ट होगी, वो 50 पिक्सल के स्पेस के बाद स्टार्ट होगी। स्टाइल हेड बॉडी, ओके बॉडी वी कैन हैव, वी कैन राइट टेक्स्ट इंडेंट, हेडिंग ओके H1, नाउ हियर वी विल स्टार्ट आवर पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं, पैराग्राफ को कहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पैराग्राफ को इतना लेते हैं, ओके कंट्रोल सी, राइट कंट्रोल वी, ओके एंड हियर पैराग्राफ क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज एंड बॉडी टैग क्लोज एंड योर HTML क्लोज। फाइन, अब हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस, इसको हम ले लेते हैं text7.html। फाइन, नाउ वी विल, ओके दिस इज text7, ओपन विद गूगल क्रोम, ओके अब यहाँ पे देखो जो हमारे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है www, ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है राइट उसमें क्या कितना इंडेंट है, मतलब कितना स्पेस है, 50 पिक्सल का स्पेस है, राइट। तो इन दिस वे यू कैन गिव पैराग्राफ इंडेंटेशन और यू कैन से टेक्स्ट इंडेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी, ओके द लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द करेक्टर्स इन अ टेक्स्ट। तो लेटर स्पेसिंग जो प्रॉपर्टी है इसका क्या यूज है, ये एक किसी भी वर्ड के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं ठीक है, लेटर्स होते हैं उनके बीच का स्पेस स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, किसी भी जैसे आपने एक वर्ड लिया वेलकम, ओके तो वेलकम में डब्ल्यू ई के बीच का स्पेस और ई एल के बीच के जो जितने भी लेटर्स हैं उनके बीच का स्पेस, राइट, तो ये लेटर स्पेसिंग के थ्रू आप स्पेसिफाई कर सकते हो। फाइन, सो नाउ हियर वी विल डू इट प्रैक्टिकली, डॉक टाइप HTML head style, इन स्टाइल हम यहाँ पे हेडिंग ले रहे हैं S2, राइट, इसमें हमने लेटर स्पेसिंग दिया, लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल, ओके देन S3, H3 में आपने लेटर स्पेसिंग दिया 2 पिक्सल, मतलब स्पेसिंग को और कम कर दिया है, ठीक है, माइनस से क्या होता है स्पेस और कम हो जाएगा, जो डिफॉल्ट स्पेस होता है उससे भी कम स्पेस हो जाएगा। स्टाइल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन वी विल स्टार्ट बॉडी, ओके
इसमें हम दे देते हैं h1 में आपने दिया यूजिंग लेटर स्पेसिंग, फाइन। अब यहाँ पे हम h2 देंगे, h2 में हमने स्पेस क्या दिया है 5 पिक्सल, ओके। h1 में क्या आएगा, जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, हेडिंग 1 h1 सॉरी h2, फाइन। सो दिस इज हेडिंग 1, यहाँ पे 1 की जगह हेडिंग 2 कर लेते हैं, दिस इज हेडिंग 2, ओके। एंड h3, दिस इज हेडिंग 3, बॉडी एंड HTML, फाइन। तो देखो H1 में क्या आएगा, जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है, बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है। H2 में क्या होगा, 5 पिक्सल की स्पेसिंग होगी वर्ड वर्ड के अंदर जितने भी लेटर होंगे। और H3 में क्या होगा, -2 पिक्सल, मतलब जो डिफॉल्ट होगा उससे भी वो -2 पिक्सल कम हो जाएगा, तो मतलब -2 उसमें से -2 हो जाएगा, फाइन पिक्सल, फाइन। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, इसको हमने दे दिया text8.html, फाइन। नाउ वी विल सी द रिजल्ट, दिस इज आवर फाइल text8, ओपन विद गूगल क्रोम, फाइन। सी देखो, जो फर्स्ट थी, ठीक है, उसमें हमने कोई स्पेसिंग नहीं थी, तो उसमें क्या है, डिफॉल्ट स्पेसिंग आई हुई है, राइट। जो सेकंड हेडिंग थी उसमें हमने क्या दिया था, लेटर स्पेसिंग दिया था 5 पिक्सल, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर, जैसे दिस वर्ड है, तो दिस वर्ड में जो लेटर्स है उनके बीच की स्पेसिंग क्या है, 5 पिक्सल है, ठीक है। इस जो वर्ड है उसमें लेटर्स के बीच की स्पेसिंग क्या है, 5 पिक्सल है। और जो हमने नेक्स्ट ST दिया था उसमें हमने क्या किया था, स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग दी थी -2 पिक्सल, तो जो डिफॉल्ट थी उसमें से भी माइनस हो गया 2 पिक्सल, राइट। तो ये देखो ये ऐसे आई है, फाइन। तो इन दिस वे यू कैन गिव लेटर स्पेसिंग, फाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइन हाइट। द लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी का क्या यूज है, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ है, उसकी लाइंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो हम इस प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, फाइन। अब हम इसको करके देखते हैं कि हाउ यू यू कैन गिव लाइन हाइट। ओके, नाउ हमने बनाया डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML हेड स्टाइल, ओके। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, क्लासेस बनाएंगे p.small, ये हमने क्लास बनाई है स्मॉल नेम की, ठीक है। तो उसमें हमने लाइन हाइट दे दी है पैराग्राफ में, लाइन हाइट हमने दे दी 0.7, फाइन, ओके। हमने नेक्स्ट क्लास बनाई बिग नेम से और उसको बना दिया पैराग्राफ स्पेसिफिक, ठीक है। बिग नेम से हमने क्लास बनाई, इसको हमने दे दिया लाइन हाइट 1.8, ओके। नाउ स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, नाउ हियर वी विल स्टार्ट बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम हेडिंग दे देंगे, हेडिंग यूजिंग लाइन हाइट, ओके, फाइन। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ, ठीक है, और फिर उसमें स्पेसिफाई करेंगे
सिंपल पैराग्राफ देंगे, फिर बिग पैराग्राफ क्लास वाइज देंगे, इससे पता चलेगा डिफॉल्ट लाइन हाइट क्या होती है। ठीक है, तो पैराग्राफ हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, सिंपल यहाँ से इसी कॉपी कर लेते हैं, इतना पैराग्राफ ले लेते हैं। ओके, कंट्रोल सी, हमने ले लिया कंट्रोल बी। ये हमारा सिंपल पैराग्राफ है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्लास को यूज करेंगे, स्मॉल क्लास को, पी क्लास, स्मॉल। ओके, ओके, यहाँ पे पी क्लास स्मॉल हमने यूज किया है इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यूज करेंगे पी क्लास बिग। राइट, एंड देन पैराग्राफ क्लोज। ओके, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। फाइन, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, टेक्स्ट 9.html। फाइन, नाउ वी विल सी द रिजल्ट हियर, दिस इज टेक्स्ट 9 ओपन विद गूगल क्रोम। ओके, सी, देखो जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ दिया था, ठीक है, उसमें क्या है, डिफॉल्ट स्पेसिंग है लाइंस के बीच में। ठीक है, पैराग्राफ की जो लाइंस है उनके बीच में डिफॉल्ट स्पेसिंग है, ठीक है, जो ब्राउजर ने दी है। सेकंड, आपने क्या किया था, कौन सी क्लास को यूज किया था, स्मॉल। ठीक है, उसमें हमने लाइन हाइट दी थी 0.7, तो यहाँ पे देखो काफी कम डिस्टेंस है दो लाइंस के बीच में, जो सेकेंड पैराग्राफ है। ओके, फिर थर्ड पैराग्राफ में हमने कौन सी क्लास यूज की थी, बिग। बिग के अंदर हमने स्पेसिंग दी थी 1.8। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1.8 की स्पेसिंग है पैराग्राफ की लाइंस के बीच में। तो दिस इज दिस स्पेस यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। तो वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का क्या यूज है, इससे हम जो कोई भी टेक्स्ट है या पैराग्राफ है उसके वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो हम दे सकते हैं। ठीक है, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट, सो हियर वी विल डू इट प्रैक्टिकली। डॉक टाइप HTML, फाइन, HTML टैग, देन हियर वी हैव हेड टैग, हेड, इन हेड वी विल हैव स्टाइल टैग। ओके, अब यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, वन क्लास, नेम क्लास का नेम है वन। ओके, और वो पैराग्राफ स्पेसिफिक क्लास हमने बना दी है, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड के बीच में आपने यहाँ पे स्पेसिंग दी है 10 पिक्सल की। राइट, किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेक्स्ट के जो वर्ड्स होते हैं उसके बीच की स्पेसिंग। राइट, फिर हमने क्लास टू क्रिएट की। ओके, उसमें वर्ड स्पेसिंग 1 हमने जो डिफॉल्ट है उस पे कर दिया -2 पिक्सल। ओके, देन स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड। ओके, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम हेडिंग टैग ले लेते हैं H1 यूजिंग वर्ड स्पेसिंग। H1, फाइन, देन पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ हमने ले लिया, पैराग्राफ टैग, इसको हम सिंपल जो नॉर्मल वर्ड स्पेसिंग होती है वो इसमें रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्लास को यूज कर लेंगे। ठीक है, पी क्लास हमने यहाँ पे यूज करी 1, पी क्लास 1। ओके, कंट्रोल बी,
paragraph close. Okay. Next P class. Next class हम टू क्लास यूज करेंगे. टू कंट्रोल वी. ओके तो यहाँ पे हमने क्लासेस को यूज किया. राइट नाउ बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज. ओके नाउ वी विल सेव इट. कंट्रोल एस टेक्स्ट 10 डॉट HTML. फाइन नाउ वी विल सी इट्स रिजल्ट हियर. ओके दिस इज आवर फाइल. ओपन विद गूगल क्रोम. अब देखो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या है, नॉर्मल स्पेसिंग है. ओके द स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स, जो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग है. ओके सेकंड पैराग्राफ में हमने क्लास वन को यूज किया था और स्पेस दिया था वर्ड्स के बीच में 10 पिक्सल का. तो यहाँ पे देखो वर्ड्स के बीच में स्पेस आया हुआ है 10 पिक्सल का. जो थर्ड पैराग्राफ था उसमें हमने क्लास टू को यूज किया था, वहां पे वर्ड स्पेसिंग दिया था -2 पिक्सल. तो -2 जो डिफॉल्ट स्पेस है उसका भी हमने क्या कर दिया, -2. तो यहाँ पे देखो जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से बहुत क्लोज है. ठीक है तो यहाँ पे क्या है, -2 पिक्सल का वर्ड स्पेसिंग है. फाइन इन दिस वे यू कैन गिव द वर्ड स्पेसिंग. ओके वन मोर थिंग वी कैन सी हियर. यहाँ पे क्या हो रही है, टेक्स्ट रैपिंग हो रही है. ठीक है टेक्स्ट जब एंड ऑफ लाइन आती है टेक्स्ट अपने आप क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट रैपिंग. ओके तो अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है हमारी व्हाइट स्पेस. राइट द व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ व्हाइट स्पेस इन साइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड. जो व्हाइट स्पेस आता है एलिमेंट के अंदर, ठीक है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है. फाइन तो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड रैपिंग हो रखी है, वर्ड रैप है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है. जैसे ही एंड ऑफ द विंडो आता है वैसे ही क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली गोज टू द नेक्स्ट लाइन. फाइन अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं देती हूँ वाइट स्पेस प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ. यहाँ पे मैंने किया पैराग्राफ. फाइन और यहाँ पे दे दिया वाइट स्पेस एंड वाइट स्पेस में मैंने कर दिया नो रैप. नो रैप राइट. ओके नो रैप का यूज कर दिया यहाँ पे. फाइन इसको सेव कर लेते हैं. नाउ वी विल सी द रिजल्ट. अब मैंने क्या कर दिया, रैपिंग जो हो हमारी जो रैपिंग थी उसको मैंने वाइट स्पेस प्रॉपर्टी की हेल्प से, मतलब जो वाइट स्पेस है उसके अंदर हम मैंने उसकी वैल्यू दे दिया है नो रैप. फाइन तो नाउ यू वी विल सी द रिजल्ट. अभी यहाँ पे क्या है, रैपिंग है. ठीक है ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है, जैसे ही विंडो का एंड आता है वैसे ही जो वर्ड्स है वो नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं. पर मैंने अभी यहाँ पे क्या दे दिया, वाइट स्पेस नो रैप. सी अब देखो यहाँ पे रैपिंग नहीं हो रही है. ठीक है अब यहाँ पे देखो ये कॉन्टिन्यूसली जो है, जो पैराग्राफ है टिल द एंड क्या है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसकी रैपिंग नहीं हुई है. फाइन यहाँ पे वर्ड रैपिंग नहीं हुई है, नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है वो. फाइन तो इन दिस वे वी कैन हैंडल द वाइट स्पेस. फाइन द नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी. टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी इज यूज टू एड शेडो टू द टेक्स्ट. ठीक है तो अगर हमें अपने टेक्स्ट में क्या ऐड करनी है, शेडो ऐड करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. वी विल डू इट प्रैक्टिकली हियर. कैसे आप करेंगे इसको, डॉक टाइप HTML. फाइन HTML हेड. स्टाइल ओके हियर आई हैव टेकन हेडिंग H1. यहाँ पे H1 हेडिंग मैंने ली है टेक्स्ट शेडो, उसमें मैंने दिया है H1 में टेक्स्ट शेडो. टू पिक्सल. तो ये टू पिक्सल क्या है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली है. ठीक है ठीक है ये टू पिक्सल क्या है. ओके हॉरिजॉन्टल शेडो है 2 पिक्सल एंड वर्टिकल शेडो है 2 पिक्सल. फाइन ओके नाउ स्टाइल क्लोज हेड क्लोज बॉडी
राइट, इन बॉडी हम दे देते हैं एच वन, एच वन टेक्स्ट शेडो एच वन फाइन, बॉडी क्लोज एंड आपका एच टी एम एल क्लोज। ओके तो सेव कर लेते हैं, ये हमने दिया टेक्स्ट 11.html फाइन। नाउ वी विल सी द रिजल्ट, टेक्स्ट 11 ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है तो हमने क्या दिया था इसके अंदर, देखो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसमें शेडो आ गई है, हमने 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल शेडो दी थी एंड 2 पिक्सल वर्टिकल शेडो दी थी, तो यहाँ पे शेडो अपियर हो गई है फाइन। ओके अब मुझे क्या करना है, अपने शेडो में कलर भी रेड ऐड करना है, तो मैं कलर भी यहाँ से टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी में पहले मैंने शेडो दी है, अब मैं इसमें कलर भी ऐड कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रेड कलर। ठीक है कंट्रोल सेव कर दिया, अब अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश देखो रेड रेड कलर आ गया है शेडो में, रेड कलर आ गया है। ठीक है तो इन दिस वे वी हैव अप्लाइड कलर फाइन। ओके अगर आपको अब जो टेक्स्ट शेडो है उसके अंदर क्या करना है, ब्लर इफेक्ट देना है, तो ब्लर इफेक्ट आप दे सकते हो, यहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेडो दी थी, अब यहाँ पे मैं ब्लर इफेक्ट दे दूंगी, मैंने दे दिया 5 पिक्सल फाइन, तो इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। नाउ वी सी द रिजल्ट, देखो अभी विदाउट जो ब्लर इफेक्ट है वो ये है। ठीक है और मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो इसमें ब्लर इफेक्ट आ जाएगा, देखो ब्लर हो गई है शेडो। ओके ब्लर हो गई है तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ब्लर इफेक्ट। ओके अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहती हूँ शेडो के साथ, तो मैंने यहाँ पे अगर दे दिया टेक्स्ट कलर में देती हूँ ब्लू फाइन, टेक्स्ट कलर ब्लू दे दिया कंट्रोल एस। ओके नाउ हियर वी कैन सी टेक्स्ट कलर जो आया है ब्लू आया है। ओके और हमारा जो शेडो इफेक्ट हमने दिया है वो शेडो इफेक्ट आया है फाइन।